किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, ये पौधा जो है दिखाई दे रहा है, दो पौधे हैं ये, और इस बाग में 60 पौधे हैं, जिसमें से 20 पौधे जून में 2 वर्ष के हो जाएंगे और बाकी जो है ना मुझे दोबारा लगाने पड़े थे, जो सेप्टेम्बर में पिछले साल मैंने लगाए थे। ये पौधा सेप्टेम्बर का है। किसान साथियों, आज मैं देख रहा था कि अब इनमें देखिए कल्ले निकल आए हैं और 3 पत्ती तक आ गई हैं। एक ये देखिए ध्यान से, ये पहली पत्ती है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और इसमें अब आपके ये देखिए ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं। किसान साथियों, सब जगह पर आजकल हमने जैसे गुड़ाई कर दी है, कहीं भी हरा घास नहीं है और जितने भी कीड़े हैं या जो पत्तों को खाने वाले हैं वो इन पर अट्रैक्ट होते हैं। इस समय आपको इनकी सावधानी करनी है। क्या सावधानी करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। ये पौधा देखिए, ये मैंने सितंबर में लगाया था, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी। ये पहली कटिंग मैंने यहाँ से की थी, फिर ये 2 शाखाएँ चली थी। इस शाखा में से मैंने 1, 2, 3, 4 रखी हैं, इधर वाली शाखा में से भी मैंने ऊपर जाकर 3 बना दी हैं। बहुत अच्छा छत्रक बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि इसने इसके पत्ते ये इस तरह से किनारे से खाता है। ये एक लीफ ऊपर आता है जो टिड्डे की किस्म का होता है, हरा सा, और इल्ली भी होती है। ये देखिए, ये एक इल्ली भी लगी हुई है इसमें, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी ये वाले, ये देखिए ये इल्ली दिखाई दे रही है। तो ये भी कीड़ों को खाती, इसको पत्तों को खाती है और इस प्रकार ये बहुत नुकसान कर देती है और बढ़वार रोकती है। देखिए इसमें ये तीसरे पत्ते पर ये कलियां भी शुरू हो गई हैं। छोटा पौधा है, मैं नहीं रखूँगा, सभी पौधों में ऐसा नहीं है। इस पौधे की देखिए मैंने कटिंग नहीं की थी और इनकी दूसरों की कटिंग करती थी जो छोटे पौधे थे। इसमें ये कल्ले शुरू हो गए हैं अच्छे, किसी में थोड़ा देर से होते हैं, 1-2 दिन का डिफरेंस भी था। ये देखिए ये पत्ते खाए गए। इस पौधे पर कोई भी इस तरह का सिम्टम्स नहीं है मेरे को मिला, और ये देखिए ये इसमें कलियां शुरू हो गई हैं, 1-2, यानी दूसरे पत्ते पर आई है, तीसरे पर आई है। ये अलाबादी सफ़ेदा का पौधा है और अब बहुत अच्छा इस पर पौधा बन जाएगा। अब हमें इन पर क्या करना है किसान साथियों, जो इसमें आपको करना है, जो भाई केमिकल करते हैं वो इसमें एसीफेट 2 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आप बोरोन अवश्य मिला लें और ध्यान रखें कि बहुत धूप नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। कितनी अच्छी कलियां आ रही हैं। और इसका दूसरा है कि आपके पास प्रोफेक्स सुपर हो, उसे भी 1.5 से 2 ml प्रति लीटर मिलाकर आप शाम के समय स्प्रे करिए। देखिए इसको कितना खा लिया इसको इन्होंने, तो 1 दिन की भी समस्या आपके लिए आपके पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय जो पत्ते नए सृजन हो रहे हैं, कलियां निकल रही हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है और अपने पौधों की रक्षा करनी है। ये तो हुआ केमिकल का। अब बात करते हैं आपके जो भाई जैविक करते हैं, इसके लिए जो आपका नीम का तेल आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल से ये कीड़े काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो जाते हैं और उसके कड़वेपन की वजह से वो नहीं आते इस पर। एक और दवाई आती है, ये दवाई IPL बायोलॉजिकल कंपनी की है, वर्टिसिलियम लिकानी, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और एक दवाई और आती है इनकी, वाइप आउट, इन दोनों में से किसी का भी स्प्रे करें, लेकिन वर्टिसिलियम लिकानी एक इसमें अच्छी कारगर दवाई होगी। तो ये देखिए ये इस तरह से इसमें इल्ली कहीं कहीं दिखाई देती है। समस्या ये है कि इस समय हमने खेत को जोत दिया है और इन लोगों को जो ये कीट होते हैं, जहाँ भी देखो आप उनको सिर्फ हरियाई वहीं नज़र आती है और वहीं पर होते हैं। देखिए इसमें भी इल्ली आ गई है, ये देखिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मैं अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखिए
बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं होगी, धूप नहीं है और इस प्रकार मैं अपने पौधों की रक्षा करूँगा। छोटे पौधों पर मैंने करा दिया था, जो पौधे मेरे छोटे थे जो मैंने नवंबर में लगाए थे, ये देखिए इनमें मैंने करा दिया था और ये अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनमें कोई नहीं है। तो इधर से कीट जो है ना इस तरफ आ गए हैं, ये देखिए ये सारे मेरे सर्दियों की फसल की ये तैयारी है मेरे इसमें। किसान साथियों, ये आप अपने पौधों की रक्षा करें, निरंतर निरीक्षण करें और इस बात का ध्यान रखें कि उनमें कोई कीट वगैरह नहीं हो। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।